साहित्य लिखा जाता है, किताबें लिखी जाती है और उसमें उस पर आलोचना भी होती है। रामचरितमानस, रामचरितमानस राम के, भगवान राम के लिए लगभग 300 रामायणें लिखी गई हैं। एक प्रोफेसर लक्ष्मण यादव है मेरे साथ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, आचार्य शैलेश हैं, पत्रकारिता भी, पत्रकारिता भी की है और ये तमाम टेलीविजन चैनल पर जाते भी हैं। और रामचरितमानस जिस तरह से जलाया गया है और इस देश के 97% हिंदुओं की बात करें तो रामचरितमानस में किसानों को, पिछड़ों को, दलितों को, जो आज एससी एसटी ओबीसी है, जो जातियों में बटा हुआ समाज था पहले, जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने एससी एसटी ओबीसी का दर्जा दिया और जातियों को समूह में तबला, वो हिंदू ही है। क्या इस देश के 97% हिंदुओं को नीचे दिखाया गया है? और क्या 3% जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, तमाम जो वैदिक धर्म के, ब्राह्मण धर्म के जो धर्मशास्त्र हैं, क्या वो उनके हितों की रक्षा करता है? और क्या दुनिया में कहीं और ऐसी कोई धार्मिक किताब है? जैसे मैं, गुरु नानक साहब ने कहा है नो रेस नो कास्ट, कबीर रविदास ने भी बोला है। क्या इस्लाम में भी इस्लाम मानने वालों के खिलाफ कुछ लिखा हुआ है? और क्या वजह है कि मनुस्मृति हो या रामचरितमानस हो, दो ऐसी किताबें हैं जिसमें जाति का बोलबाला है। वही मैं क्लियर कर दूं कि मुगल के दौर में तुलसी दुबे रामचरितमानस लिख रहे थे, लेकिन उन्होंने एक लाइन भी नहीं लिखा है मुगलों के खिलाफ। और दूसरी बात, उन्होंने कहा है कि मांग के खैबो मस्जिदों में सोबे। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि एक उपनिषद भी लिखा गया अकबर के दौर में, जिसको कहा जाता है अल्लाह उपनिषद। तो क्या तमाम जो वैदिक किताबें हैं वो सिर्फ हिंदुओं में ब्राह्मण समाज के हितों की रक्षा करता है? अल्लाह उपनिषद तो आप पहली बार बोल रहे हैं, मुझे कभी सुनने में नहीं आया है कि अल्लाह उपनिषद कहीं उपनिषद भी है। मैं भिजवा दूंगा आपको। तो लक्ष्मण यादव है और आचार्य शैलेश जी, हम लोग किसी किताब के जलाने के पक्ष में नहीं। बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी, वो लंबा दौर है। आज के दौर में हम चाहते हैं कि उस पर बहस हो, श्लोकों पर बहस हो, चौपाइयों पर बहस हो। लक्ष्मण जी, दो जो चौपाइयां हैं जिस पर सबसे ज्यादा विवाद होता है, बताइए कि तुलसी दुबे जो है वो तमाम जो वैदिक धर्म की किताबें हैं वो सिर्फ ब्राह्मण हितों की रक्षा करता है? तुलसी दुबे नाम बोलिए, शंभु जी मैं उसे इस पर आपत्ति है, गो स्वामी तुलसीदास बोलिए, तुलसी दुबे मत बोलिए। स्वामी तुलसीदास, स्वामी तुलसीदास, लेकिन ब्राह्मण समाज से चलिए क्या, चलिए क्या, संत का कोई जाति नहीं होता, गो स्वामी तुलसीदास बोलिए। संत की जाति नहीं होती है? बिल्कुल नहीं होती। तो भगवान राम की जाति कैसे आ गई? क्षत्रिय थे, क्षत्रिय वर्ण में वो जन्म लिए, लेकिन वो भगवान की कोई जाति नहीं होती। भगवान तो भगवान होते हैं। हनुमान कैसे दलित हो गए, योगी जी ने कहा है? नहीं, हनुमान जी कोई जाति, ईश्वर की कोई जाति नहीं होती, कोई ईश्वर की जाति नहीं होती। और जो हनुमान जी के बारे में कहा गया है वो भी गलत कहा गया है, क्योंकि हनुमान जी की जाति कैसे हो सकती है? हनुमान जी तो ईश्वर है, भगवान शिव के अवतार है। चलिए, रामचरितमानस की वो दो चौपाइया सुनाइए लक्ष्मण यादव जी, जो जो इस देश के 97% हिंदुओं को शूद्र और अछूत कहा गया है। जी शुक्रिया, फिर सुनिए शैलेश जी और फिर आचार्य जी और फिर जवाब दीजिएगा। हाँ, एक तो ये सुंदर कांड में 58वां दोहा, उसके बाद तीसरी चौपाई है, प्रभु भल कीन मोहि सुख दीन सिख दीनी, मर जादा पुर तुमरी कीनी, ढोल गवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना की अधिकारी। और दूसरा जो रामचरितमानस का उत्तर कांड है, उत्तर कांड में जे बरनाधम तेल कुम्हारा, स्वपच करात कोल कलवारा, और उसके बाद एक और पद है, अधम जाति में विद्या पाई, भयं यथा अहि दूध पिलाई। ऐसे बहुत सारे पद है, लेकिन अभी फिलहाल इन्हीं पर बात शुरू करते हैं। दिलीप मंडल ने लिखा 135 चौपाई ऐसी है जिसमें तमाम दूसरे हिंदुओं को ब्राह्मणों के मुकाबले नीचा दिखाया गया है। शैलेश जी क्या कहेंगे, क्या ये सिर्फ ब्राह्मण हितों की रक्षा करता है वैदिक धर्म, या हिंदुओं की रक्षा करता है? जो मानसिक रूप से विकृत है, जिन्हें शास्त्र का ज्ञान नहीं है, और जो लोग धर्म विरोधी है, वही बात कह सकते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी ने किसी भी जाति विशेष को लेकर के कोई भी टिक्का टिप्पणी नहीं की है, और रामचरितमानस कोई पुस्तक नहीं है सामान्य, या कोई साहित्य सामान्य नहीं है। रामचरितमानस जो है
वह सनातन धर्म का आस्था का प्रतीक है। यह सनातन धर्म का जो है वह कह सकते हैं कि सिरमौर है। हम रामचरितमानस को महाकाव्य के रूप में जानते हैं। रामचरितमानस सामान्य कोई पुस्तक नहीं है। भले ही लिख दिया गया 1 लाख पुस्तक, 1 लाख अलग अलग भाषाओं में लिख दिया गया, लेकिन जो रामायण वाल्मीकि जी द्वारा रचित किया गया और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित किया गया, यह दोनों जो विशेष हमारा धर्म शास्त्र धर्म ग्रंथ है, यह हमारे लिए बहुत सम्माननीय है। और इसमें लिखा गया कि ढोल गवार जो प्रभु भल किन्न मोहिसिक दिन्ही मर जादा पुनि तुम्हरी किन्नी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यह जो विशेष रूप से छंद आया है, यह भगवान राम और समुद्र के बीच की वार्ता के रूप में आया है। जब प्रभु श्री राम ने समुद्र से रास्ता मांगा है, जब रास्ता नहीं प्राप्त हुआ है, तब उन्होंने जब बाण निकाले हैं, इसके बाद जो कहा गया है कि प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गवार शूद्र पशुनारी स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं, ताड़न के अधिकारी नहीं है, शिक्षा के अधिकारी हैं। रामचरितमानस में शिक्षा के अधिकारी दिया गया है। तुलसीदास द्वारा रचित जो तुलसीकृत रामचरितमानस है, उसमें आप देखिए यह लिखा गया है, लोगों के अंदर जो भ्रम फैलाया जा रहा है और जातिगत जिस तरह का जहर घोला जा रहा है चंद राजनीतिक पदों को प्राप्त करने के लिए, यह उस प्रकार का पहला वाला वाक्य एक बार फिर से पढ़ दें सर। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा ब्रैकेट में दंड, ये क्यों लिखा है सर पहला वाला वाक्य? शिक्षा दंड, हाँ क्यों दंड क्यों लिखा है? दंड मतलब क्या, मारना काटना? नहीं नहीं प्रेम करना। शिक्षा दंड, शिक्षा दंड सर, शिक्षा दंड, दंड। शिक्षा लिख गया था तो ब्रैकेट में दंड क्यों लिखा, मैं समझ नहीं पा रहा। अरे वो शिक्षा, मान ली सुनिए, मान लीजिए वो कह रहे हैं कि टीचर जैसे कान धके उठक बैठक कराता था, झाड़ू साफ करवाता था, टॉयलेट साफ करवाता है, जाति विशेष के लोग बच्चों से स्कूलों में आज भी होता है, हाई स्कूल मिडिल स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जैसे नंबर का। शैलेश जी एक और बात मुझे बताइए आचार्य साहब, आचार्य जी, तेली कुम्हारा चांडाल भील कोल और कलवारा, जे बर्नाधम तेली कुम्हारा स्वपच किरा तेल कुलवारा पनरी पर है। ये तुलसीदास जी की ये 1.7.0 ये उन्हीं की चौपाई है जो मैं बता रहा हूँ। कहाँ पर, कौन से कांड है? उत्तरकांड, उत्तरकांड दोहा संख्या 99 चौपाई संख्या 3 जे बर्नाधम तेल कुम्हारा सब जातियों के नाम है, स्वपच किरात कोल कलवारा तेली कुम्हार चांडाल भील कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जा रहे हैं, उसी के ऊपर जो दोहा संख्या 99 है उत्तरकांड की 99, बादहि शूद्र दुजन सन हम तुम ते कछु घाट, और जानहि विप्र सो विप्र, जानहि ब्रह्म सो विप्रवर आंख दिखावहि डांट। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि क्या हम क्या तुमसे कुछ कम हैं? जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण, ऐसा कहकर वे उन्हें डांट कर आंख दिखलाते हैं। कलियुग घोर कलियुग है, तुलसीदास जी लिख रहे हैं। लक्ष्मण यादव जी सुन लीजिए, आपको शायद नहीं पता है कि इसमें ब्रह्म को जानना, ब्रह्म को जो जानता है वह ब्राह्मण है। अगर नहीं आप, सुने अगर ना इसको पढ़िए गुरुजी इसको पढ़िए, पूरा पढ़िए व्याख्या जो लिखा है, आप मेरा बात सुनिए, पूरा पढ़िए सुनिए। एक शरीर है, आचार्य जी कैसे चलेगा, हाँ, आपकी सुनी नहीं जाएगी, आप पढ़िए ना सर, सुनिए आप बात को। सर, एक सर, शरीर है, जो, जो ब्रह्म को जानता है जो है वह ब्राह्मण है, भुजा जो है वह क्षत्रिय है, जो पेट है जो वैश्य है, ब्राह्मण है, बाहु नाम क्षत्रिय है, और अगर चारों वर्ण मिलकर के एक शरीर बनता है और मस्तिष्क जिसका मजबूत है वह ब्राह्मण है, चाहे वह किसी भी जाति में जन्म लिया हो। तो यहाँ ब्रह्म को जो जानता है
और पूरा वाक्य पढ़िए, जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है, ऐसा कहकर वे उन्हें डांट कर आंख दिखा रहे हैं। लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी सुन लीजिए, अगर कोई जन्म से ब्राह्मण है और वह शराब का दुकान खोल रखा है, मछली का दुकान खोल रखा है, वह ब्राह्मण नहीं है। अच्छा, तो ये सारे पेशा जो आप नहीं, ये ब्राह्मण जाति में पैदा हुए हैं लोग और ये पेशा कर रहे हैं, वो नीच हैं। आप आचार्य, बिल्कुल नीच है वह, बिल्कुल नीच है वह, ब्राह्मण नहीं है। मतलब आप शराब बेचने वाले को, मछली बेचने वाले को नीच कह रहे हैं? आप घुमा करके मत मुझे बताइए। अगर कोई ब्राह्मण जन, सुनिए, हाँ, आप जितना पढ़े हैं ठीक है, मैं जितना आप, जब से पढ़े हैं उतना उतना जब समय से हम पढ़ा चुके लोगों को। नहीं, आप बताइए, आप कह रहे हैं मछली बेचना, दारू के शॉप खोलना, ये नीच काम है। सुन लीजिए, यह नीच काम है, पाप काम है, धर्म का काम कहाँ है? सर बकरे काटना अच्छा काम है, आप अच्छा काम इसको मानते हैं, मैं तो इसे अच्छा काम नहीं मानता। मुगल काल में मुसलमान हो सकता है, मौर्य जो होंगे, जो आज भी वो अपना व्यंजन लेके आए हैं, प्रोफेसर तुलसीदास जी ने एक लाइन मुगलों के खिलाफ नहीं लिखा और वो तमाम हिंदू जातियों को शूद्र तुलसी तुलसीदास जी, तुलसीदास जी सामान्य अभी के जो मुगल घटना है मुझे मुसलमानों वो स्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में प्रभु श्री राम के बारे में लिखा है, न कि अभी के 2000 वर्षों की बात नहीं लिखा उन्होंने। कलयुग की कोई चर्चाएं नहीं किया उन्होंने, उन्होंने जो है वह त्रेता युगों की बात की है, जो प्रभु श्री राम का समय है उसकी चर्चा की है, रामचरितमानस का। अरे सर, तो त्रेता युग में, त्रेता युग में तेली कुम्हार की चर्चा कर सकते हैं आप? कबीर की वो लाइन बताइए जो वो मुगलों से सवाल पूछ रहे हैं, जो जो कर्मकांडी मौलाना होते थे, लक्ष्मण यादव बताइए, वो मुल्ला बांग आकर पातर जोर के मस्जिद लई चुनाए ता चढ़ मुल्ला बाग दे क्या भरा हुआ खुदा। सबसे हिंदू तो कट्टर हिंदू तो कबीर है, जो जो मुगलों के राज में बैठ के और उसके मैं कबीर को नहीं मानता, मैं कबीर बंदी नहीं हूँ, मैं कबीर को नहीं मानता। अरे ये लीजिए, तो कोई कह देगा तुलसी को नहीं मानते हैं तो क्या दिक्कत हो गई भाई? आप कबीर को मत मानिए, आप रविदास महाराज को मत मानिए, आप गुरु नानक साहब को मत मानिए, तो जिस किताब में किसी जाति विशेष को आप नीच दिखा रहे हैं सर, वो आदमी कैसे मान ले आपकी बात? बता रहा हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य जेल जाएगा और उसके उधर कहाँ चले आ गया है, उसकी राजनीतिक अंत आ गया है। अरे वो तो आपके हाथ में सत्ता है, आप शराब दे दीजिए उनको, आप लोग के हाथ में सत्ता है, आप हमको भी सूली पर टंगवा दीजिए। मेरा वो लॉजिक सवाल है कि रविदास महाराज हो, गुरु नानक साहब हो या कबीर हो, वो उस दौर में तमाम कर्मकांडों के खिलाफ बोल रहे थे। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? तो तुम खुद बोल रहे हो यार, तुम अरे खुद तो बोल रहे हो। साहब भी बोले तुलसीदास कह रहे कि मांग के खाइबो मस्जिदों में सोइबो, मतलब मांग के खाऊंगा सुनिए और मस्जिद में सोऊंगा। सुनिए शंभू यादव, शंभू जी, शंभू यादव है, पासवान है, क्या है आप? शंभू सिंह आपका कुल क्या है ये बताइए ना। ये मुझे नहीं पता, मैं कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक रूप से ओबीसी हूँ। ओबीसी है ना, ठीक हाँ। है। तो शंभु जी ऐसा है कि आज ही मुझे पता चला, आप हमारे क्लास में थे तो आप बोलते थे कि हम क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं। बिल्कुल, हमारे बाप दादा सम्राट अशोक क्षत्रिय थे, राजा थे, बौद्ध राजा थे, सम्राट अशोक राजा थे, मौर्य वंश का हूं मैं, उदा देवी पासी हूँ, फूले बाल बाल अच्छा महाराज का वंशज हूँ भाई। नहीं लेकिन आप कर्म से क्षत्रिय हुए, मुझे नहीं पता था। सुनिए हम शिवाजी के वंशज हैं, किसान हैं, जिसको रामचरितमानस का, जिसको आज अच्छा है पता चल गया, जिसको रामचरितमानस पर गहन अध्ययन हो और जो सात्विक वैदिक आदमी हो उसको बिठाइए, यूनिवर्सिटी में पढ़ लेने से और पीएचडी कर लेने से कोई। अभी मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। आचार्य जी अभी मैंने तो कोई टिप्पणी नहीं की। आचार्य चौपाई पढ़िए आप मेरे। आचार्य जी एक सवाल लीजिए, देखिए हम लोग बात कर रहे हैं, किसी का गर्दन नहीं काट रहे हैं, इसमें हमारा ज्ञान कम हो सकता है, आप ज्यादा सुनिए ना। हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं, नॉर्मल, हम लोग साथ पढ़े लिखे हैं, इट्स नॉट ए टॉक्सिक, हम लोग एक बात कर रहे हैं। देखिए आचार्य तुलसीदास का बड़ा विरोध हुआ है ब्राह्मणों ने किया कि तुम संस्कृत को क्या क्या विरोध हुआ कि संस्कृत की जो जो भाषा है उसको आप अवधि में लोक भाषा में उसको अवधि में क्यों लिख दिया? सवाल ये है, देखिए क्या हिंदू कैसे एकजुट होगा? आचार्य जी, हिंदू कैसे एकजुट होगा?
हिंदू को जातियों में आप बांटेंगे जो अरे जाति बांटने का काम स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे पापी पातकी कर रहा है, जो चाह रहा है कि आने वाले 2024 में जो हिंदुत्व जो पूरी तरह से यूनाइट है उसको अलग अलग विभक्तों में अभी थोड़ी देर पहले अभी अभी मैं कह रहा हूँ तुलसी जी आपकी जाति अभी आचार्य जी ने पूछी जाति आपकी बताइए आचार्य जी तुलसी दुबे मुगल काल में जाति लिख रहे हैं और आप स्वामी प्रसाद मौर्य तो आज हुए आप आज कर लीजिए 2024 में नरेंद्र मोदी ही दोबारा तिवारी प्रधानमंत्री बनेंगे सुनिए आप कर लीजिए वो संविधान की कर रही जब तप व्रत नाना एक चौपाई और आचार्य जी शूद्र कर विप्र निरक्षर लोलुप कामी निराचार सर्वटली स्वामी शूद्र कर जप तप व्रत नाना बैठ बरासन कहीं पुराना ये कलयुग वर्णन है ये कोई त्रेता युग वर्णन नहीं बाकायदे उत्तरकांड कलयुग वर्णन है सब नर कल्प कर अचारा जाय न बरनी अनित अपारा चौपाई पढ़ रहा हूँ अभी तुम बोलने में दे रहा अरे भाई मैं चौपाई पढ़ रहा हूँ आचार्य जी खून भर जाएगा नहीं बदलेगा रामचरितमानस अरे चौपाई तो पढ़ने दीजिए तुलसीदास की लिखी हुई चौपाई पढ़ने दीजिए तुलसीदास जी का अपमान मत करिए मेरी चौपाई सुनिए ना भय बरन शंकर कली भिन्न से तु सब लोग और कर ही पाप पावे दुख भय रुज शोक न दोष यानी जो वर्ण व्यवस्था टूट रही है इससे तुलसीदास जी बहुत आहत है उन्होंने कलयुग का वर्णन किया है कलयुग में वर्ण व्यवस्था टूट रही है तो ये इसका दुख है ना तुलसीदास जी को इसका दुख है ना वरण धर्म नहीं आचारी दुख नहीं होगा हाँ तो जाति व्यवस्था जाति व्यवस्था सॉरी प्रधानमंत्री दुख नहीं होगा वरण धर्म नहीं आश्रमचारी स्तुति क्रोध रक्त सब हो जाएगा उस लड़की का 36 टुकड़े हो जाएगा दुख नहीं होगा अरे कहाँ चले अरे तो वही तो सवाल है आचार्य जी 36 टुकड़े वाले के खिलाफ तुलसीदास जी ने क्या लिखा हमको वो बताइए जब उसी दौर में वो लिख वो तो कह रहे हैं कि मांग के खइबो अब मस्जिदों में सोबो आज जो आप बताइए जिस धर्म को मैं मानता हूं मैं अभी हिंदू हूँ रामचरितमानस में लिखा गया है मांग के खइबो अरे बताइए बताइए भाई बताइए कवितावली उत्तरकांड सर कवितावली उत्तरकांड है आचार्य जी हमारे पर लिख कवितावली कवितावली सर कवितावली नहीं है इसमें रामचरितमानस में कवितावली नहीं है अलग ग्रंथ मानस अलग ग्रंथ है कवितावली उनका अलग ग्रंथ है कवितावली हाँ। में भी सात कांड है कवितावली में भी राम कथा है और कवितावली जो है रामचरितमानस ही है जिसको सुनिए ना वही तुलसीदास जी को मैंने 14 ग्रंथों में सबसे मुख्य ग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस ही था जिसे हम रखते हैं जिन्हें हम सम्मान करते हैं और जिनको हम मर्यादा के रूप में रखते हैं अगर इसकी कोई मर्यादा टूटेगा तो उसका सर भी तन से जुदा होगा और सर जिस जिसकी मर्यादा इस रामचरितमानस में मर्यादा वो क्या करे उसमें सर जिन नारी और जातियों को लेकर जो बोला गया उसका वो क्या करे नारियां क्या करें और इन जातियों का अपमान है अरे उनके घर में नारी नहीं थी किसी नारी का उन्होंने अपमान नहीं किया है आप सती अनुसुईया सर आचार्य जी आप तो समझदार आदमी है सुनिए मैं केवल कोट कर रहा हूँ देखिए विदेहुन नार हृदय गति जानी सकल कपट अघ अवगुण खानी कौन बोल रहा है भरत बोल रहे हैं और हिंद महिलाओं के दंड देने की जरूरत होती है जो चरित्रहीन महिला जो अपने पति को चरित्रहीन लिखा है आज इसमें तो लिखा नारी इसमें चरित्रहीन लिखा ही नहीं है अगला पद सुनिए धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपतकाल परकेचारी वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना ऐसे उपति कर किए अपमाना नारी पाव जमपुर दुख नाना और ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी अगर नारी को शिक्षा देना है तो गंवार को शिक्षा देना है तो पशु को कौन सी शिक्षा ढोल को कौन सी शिक्षा और सुनिए आचार्य जी अभी आप शुरू में कह रहे थे कि रामचरितमानस की व्याख्या में शिक्षा लिखा है रामचरितमानस का जो गीता प्रेस शुरुआती दौर में छपा उसमें वहां ताड़ना लिखा है अब मैं एक बात पढ़ रहा हूँ आचार्य जी सुनिएगा कंटिन्यू आप भी बोलेंगे कंटिन्यू सुनिए अरण्य कांड के दोहा संख्या 33 हो जाता है अरे वही तो क्यों बदला गीता समय जो बदलते आया है तो फिर प्रेस ने दंड को गीता प्रेस दंड को शिक्षा किया क्यों किया 1526 के करीब
उस समय का निकाल करके दिखाइए प्रति। और तुलसीदास जी ने कहीं उसकी व्याख्या नहीं लिखी है, केवल पद लिखा है, चौपाई और दोहा लिखा है। व्याख्या गीता प्रेस ने पहले दंड लिखी, बाद में शिक्षा कर दी, क्यों किया? और दूसरी जगह जहां नहीं किया वो सुनिए, अरण्य कांड दोहा संख्या 33, सापत ताड़त पुरुष कहंता विप्र पूज यस गावई संता, और पूजिए विप्रशील गुण हुई ना शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। और देखिये यहाँ क्या लिख रहे हैं, शाप देता हुआ और मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, राम कह रहे हैं। इसका मतलब एक जगह ताड़ना का अर्थ बदल दिया, दूसरी जगह क्यों नहीं बदल पाए? यहाँ तो मारता हुआ लिखा। आचार्य जी आप मानते हैं कि चूंकि अब सब पढ़ लिख गया है, कलम युग है, ये कलयुग नहीं है, कलम का युग है, सबको पढ़ने लिखने का अधिकार है, आचार्य जी क्या कैसे हिंदू एकजुट होगा मुझे इसका रास्ता बताइए। दुनिया में कोई ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं है जो अपने ही धर्म के लोगों को जो पापी रामचरितमानस के खिलाफ बोलता है उसको जेल में डालने से यूनिटी होगी। और सर ये सिलेबस में पढ़ाया जाता है, इसमें कहा गया है कि तुलसीदास एक कवि थे और रामचरितमानस उनकी एक साहित्यिक रचना है, उसकी आलोचना भी होती है, उसकी तारीफ भी होती है, उसका क्या करेंगे? संत थे भाई, संत तो कबीर भी थे, संत तो कबीर भी थे, दर्शन किया, संत कबीर भी थे, आपने पता है आपको ना कैसे संभव है सर? तुलसीदास कब पैदा हुए और राम जी त्रेता युग, कैसे संभव है? कैसे संभव हुआ कि दोनों लोग एक साथ बैठे? तो पुस्तक गलत है? नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं। बारी हरु नाथ संकट बारी, चित्रकूट के घाट पर भाई संतन के भीर, तुलसीदास तिलक चंदन तिलक रघुवीर। मैं वही तो कह आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी, तुलसी दुबे अपने जात जैसे आज के डेट में सारे टीवी के पत्रकार पत्रकार जैसे आचार्य जी, मेरी एक लाइन सुनिए ना, आप मौर्या जी है ना, क्या नाम है आपका? छत्री हूँ, मैं सम्राट अशोक शिवाजी महाराज का वंशज हूँ, मेरी छोटी आचार्य जी हमारे बताइए कि सुनिए आचार्य जी, अपने समाज के हितों की रक्षा करना कोई अपराध नहीं है, आज भी हम भी कर रहे हैं, मैं भी जिस समाज से हूँ उसके हितों की रक्षा करता हूँ। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य पर आइए कि वह व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कर रहा है, उसका अंत होगा एक वर्ष के अंदर, हर तरह से वो पतित हो जाएगा। राम जी का जो उसने अपमान किया उसका सर्वनाश हुआ है। राम जी का अपमान कहाँ किया? अच्छा एक दो सुनिए ना लक्ष्मण जी, एक दो पॉलिटिकल सवाल लेते हैं आचार्य जी, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य चूंकि बीजेपी आरएसएस में नहीं है तो उनका आचार्य जी बताएं पहले कि उन्होंने राम का अपमान कहाँ किया, क्या ऐसा बोला है अभी राम के खिलाफ? अरे रामचरितमानस का अपमान आप मानस का भी नहीं किया, मानस का भी नहीं किया, वो उन चौपाइयों को बोले हैं कि ये हमारे खिलाफ, आपके घर के गार्जियन को अपमान होगा तो आपका अपमान नहीं होगा, क्या बात कर रहे हैं? रामचरितमानस का अपमान करना इसका मतलब अपमान नहीं, तो राम रामचरितमानस में जो जातियों का अपमान है सर, उसका हिसाब कौन देगा? 300 रामायण का अपमान नहीं है, कई जातियों का अपमान नहीं है। आप लोग नए तरीके से लिखे हुए रामचरितमानस और रामायण पर बहस मत कीजिए, पाप के भागी बनेंगे, बहुत बुरा अंत होगा जो रामचरितमानस और रामायण की बुराई करेगा। यह लोग तो ठीक है निकल जाएगा, अगला जो जन्म होगा वह निश्चित तौर पर कीड़े मकोड़े की तरह होगा। यही कारण है कि कोरोना जैसी महामारी आती है, और मैं तो मानता हूं कि 10 साल में एक बार कोरोना आना चाहिए और 50% लोगों को लेके जाना चाहिए। आचार्य जी आप किस तरह की बात कह रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप कह रहे हैं लोगों को मरने की दुआ मांग रहे हैं? बिल्कुल, जो पापी लोग आप देखिए ना, पूरे चाइना देखिए, लोग आचार्य जी चाइना पर आपके आपकी जीव जंतु सब चीज को खा रहे हैं, जो चीज पूजने योग्य है उसको खा रहे हैं लोग, है ना, सबका अपना अपना जीवन है। जब मनुष्य को मनुष्य नहीं खा रहा है तो मनुष्य जीव जंतु को क्यों खा रहा है, और जब जीव जंतु को खा रहा है तो कोरोना जैसी बीमारी आएगी। मेरा तो मानना है कि कोरोना जैसी बीमारी हर 10 साल पर आना चाहिए और 25-50% लोगों को लेकर निकल जाना चाहिए, क्योंकि इतना पाप हो गया है। आचार्य जी सम्मुख वध पर क्या कहेंगे आप, एक लव के अंगूठा काटने पर क्या कहेंगे, ये लोग ये बातें सब सही है झूठ है? क्या एक लब का अंगूठा काटना, शंभुक वध, जो तमाम जो धर्म ग्रंथ हैं ब्राह्मण वैदिक धर्म के, डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई है, उसको लेकर क्या कहेंगे, उस पर क्या राय है? शंभु जी देखिए, डॉक्टर अंबेडकर जी अगर मनुस्मृति जलाए हैं तो फिर रामचरितमानस को उन्होंने पहले संविधान के पहले पेज पर क्यों रखा? वह तो श्री राम जी को मानते थे, है ना।
नहीं नहीं तो वही तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि आज कलम युग है, सब लोग पढ़ लिख रहे हैं, जो जो हिंदू का 97% हिंदू जो है, सिर्फ ब्राह्मण हितों की रक्षा होगी कि धर्म ग्रंथों में, तो हिंदू कैसे एकजुट होगा? लालू यादव की रक्षा कौन करेगा? 97% नहीं, 3% स्वामी प्रसाद लोग जो है वह 97% हिंदुओं को बरगला करके और यहाँ चाहता है कि अराजकता फैलाए और देश में मुस्लिम तुष्टिकरण करके नरेंद्र मोदी को कमजोर करे। यह कभी नहीं होगा, नरेंद्र मोदी जब तक जीवन है तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे। नहीं वो ठीक है, आपका आशीर्वाद है। मैं मुझे तो फिर ये तुलसी तुलसीदास क्यों नहीं मुगलों के खिलाफ एक चौपाई लिख के गए? वो तो मुगल काल में थे। अरे भाई तुलसीदास जी एक संत थे, वह किसी जाति विशेष धर्म विशेष पर नहीं है। आप लोग के मन की कबीर साहब संत थे कि नहीं आचार्य जी? कबीर संत थे कि नहीं? आए कबीर संत थे कि नहीं? अरे भाई ये कबीरदास जी की चर्चा क्यों कर, कबीर जी संत थे। आप मोदी की चर्चा कर ले, रविदास महाराज क्या थे? अरे भाई गुरु नानक तो देव है, वो तो उन्होंने लिखा है, गुरु नानक साहब ने कहा नो रेस नो कास्ट। उस समय जो जातिवाद फैला रहे थे लोग, तमाम जो वैदिक धर्म में जो जातियां जातिवाद था उसके खिलाफ वो लड़ रहे थे और लंगर की शुरुआत करते नो रेस नो कास्ट। हिंदुत्व को एकजुट किया, हिंदुत्व को एकजुट किया ताकि मुगलों से लड़ा जा सके। अरे उन्होंने धर्म की स्थापना की, उन्होंने अलग उन्होंने अलग धर्म बनाया। उनकी शब्द की पूजा होती है, ईश्वर की ईश्वर है ही नहीं वहाँ, शब्द की पूजा। गुरु नानक शब्द की बात, गुरु नानक जी तो साक्षात ईश्वर स्वरूप थे, वो मनुष्य रूप में थे लेकिन ईश्वर थे। वो निर्गुण ब्रह्म को मानते थे, वो कहते थे वो इसलिए शब्द को मानते थे, वो किसी सगुण ईश्वर को मानते ही नहीं। गुरु नानक संत परंपरा से निकले, जैसे कबीर साहब हैं वो कहते हैं मोगो कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, रविदास जी जाके सिर सब ढोर धोन तया गयो अजहूं फिर बनारसी आस पासा और तीन आचार सहित विप्र करें दंडवती तीन तना रविदास दासानुदासा। तो ये सारे लोगों की परंपरा एक अलग है सर, बताइए तो ये तो ओबीसी प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और आप कह रहे हैं कि आप बिल्कुल आपकी बात नहीं इंटरप्रेट करेगा। डॉक्टर अंबेडकर नहीं पढ़ते तो मनुष्य जातिगत जब आपके अंदर जातिगत भावना आएगी और ब्राह्मण से आप जानबूझ करके ब्राह्मणों के खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहे हैं ना बहुत बुरे बनेंगे। अरे सारी किताबें ब्राह्मण समाज ने लिखी, सारा पढ़ाई का अधिकार था, जाति उन्होंने बनाई, जाति के नाम पर पढ़ाई उन्होंने खाई। सर अरे सर तुम कत बाभन हम कत सूद हम कत दूध, उदा ये कौन लिख रहा है? कबीर साहब लिख रहे हैं। ये तो ब्राह्मणों से वही सवाल कर रहे थे, इनमें रोज रहते हैं रात अनंत गाय ये तो खून व बंदगी कैसे खुशी खुदा है, वो भी लिख रहे हैं और इधर भी लिख रहे हैं माला तो कर में फिर है और जीव फिर है मुखमाई और मनवा तो चौदिस फिर है यह तो सुमिरन नाई और मन ऐसा है जोगी कपड़ा ये कौन लिख रहा है? कोई रोक नहीं लगाता, अभी कोई कुछ भी बोल दे रहा है बाद तो रामचरितमानस को बैन कीजिए कि इसको कोई पढ़ नहीं सकता, ये सिर्फ पूजा करने की ग्रंथ है। अरे जब हम पढ़ेंगे सर, हम संस्कृत रामचरितमानस को जो बैन करेगा उसका नाश हो जाएगा समूल रूप से, तो पढ़ने का तो अधिकार दीजिए। अरे बता रहे आने वाली पीढ़ी जन्म नहीं लेगी, जन्म होगी वो मर जाएगा। मैं वही तो चाहता हूँ कि इसको बैन न किया जाए, जलाया न जाए, इसको पढ़ने का काम किया जाए, इसकी चौपाई। अखिलेश जी ने कहा है कि जो शुद्ध ढोल पशु नारी है ये चौपाई बोल के दिखाए नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी। जो भाई चौपाई पर अभी रामचरितमानस पढ़े हैं क्या? आप वो चौपाई पढ़ के आचार्य जी बताइए जो जिस पर हम लोग को आपत्ति है, जिस पर इस देश के 97% हिंदुओं को आपत्ति है कि ये 3% आप लोग के हिंदुओं की रक्षा करता है। नहीं है रामचरितमानस सबसे पूजनीय ग्रंथ और आपको आपत्ति है, आप उसी तरह रामचरितमानस को कोई बदल नहीं सकता। बदलना नहीं है, मैं तो कह रहा हूं रामचरितमानस को पढ़ा जाए, उसकी विवेचना हो रही है, सब लोग पढ़ेंगे लिखेंगे धीरे धीरे। अब तो संस्कृत भी जिनको कहा गया 10,000 लोगों को बांटा है रामचरितमानस, लोग तो घर में रखे नहीं है देखे नहीं है। अच्छा है किसी वाले सब लोग घर में ले जाकर के पढ़े, बिल्कुल चाहता हूँ आचार्य जी। मैं चाहता हूँ कि तमाम किताबों को पढ़ा जाए, किताब पढ़ने की चीज है, धर्म ग्रंथ का अध्ययन हो।
आचार्य जी दो तीन तो पद पढ़ दे रहा हूं बस जाते आते। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी जग जन्मई बायस शरीर धरी। मतलब अगर ब्राह्मण की आलोचना कोई करे तो कौआ हो जाएगा। अधम जाति में विद्या पाई भय हुए था आई दूध पिलाई और मानी कुटिल कुभाग की जाति। अरे पढ़ने तो दीजिए, आप मुझे मानस पाठ क्यों नहीं करने दे रहे हैं आचार्य जी? आप मुझे मानस, अरे रामचरित मानस है सर, मानस पाठ कर रहा हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये हम लोग जो बात कर रहे हैं वो तुलसी तुलसीदास जी का रामचरित मानस है, भगवान वाल्मीकि तो पाठ कर रहा हूँ आचार्य जी। भवन अमंगल हरिद्र। अरे आप वो पढ़िए, सदृशम वेगवर्धम स्वांगम लक्ष्मीकांतम कमलनम योगी विद्यांगम वंदे विष्णु भवहरम सर्वलोकनाथम शांतम शाश्वत प्रमेयवर्धम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्माश्रमो परिंद सेवंदम वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम वंदे भोपाल चुंडामणि। अब मेरा सुनिए, अब मेरा सुनिए। मातु पिता गुरु विप्र मानई आप गए अगलाघनी आनई विप्र द्रोह सुर द्रोह विशेषा और दंप कपट जी धरे सुवेशा। ये बातचीत का ये तो हम लोग मदारी हो गए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं कह रहा हूँ आचार्य जी, जो आप संस्कृत पढ़ने पर रोक थी वो रोक हटी, अब तो लोग सब भाषा पढ़ रहे हैं, हिंदू कैसे एकजुट होगा? रोक हटी कब? रोक हटी कब? कब रोक लगाया गया? संविधान अंग्रेज आए, संविधान लागू हुआ। नहीं सुने ना, कालिदास की एक रचना है सर, कालिदास की रचना। अरे सुने आचार्य जी, आचार्य जी तो आप पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, आचार्य जी तो आप पढ़ाई लिखते हैं। हिंदू धर्म में शूद्र था, अछूत था, है? नहीं नहीं सुनिए ना, आप आपने कहा कि करता है। अरे आचार्य जी खाया कि नहीं खाया? आप निजी हमला मत की, निजी पर्सनल बात, हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं, संवैधानिक अधिकार। मैं कह रहा हूँ कि रामचरितमानस ब्राह्मण हितों की रक्षा की गई है। आप देखिए छात्रों के जाइए, आप देखिए सब एक साथ। आचार्य जी किसी हम पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू में पूछते हैं, इंटरव्यू में जाति पूछते हैं, होटल में नहीं पूछते, होटल में पैसा लगता है और इंटरव्यू में जाते हैं जाति पूछते हैं इंटरव्यू में। इसीलिए प्रोफेसर 99% इन जातियों के नहीं है क्योंकि वहाँ जातिवाद है। आचार्य जी मैं आचार्य जी मैं यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू में प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर यहाँ पर जाति कैसे सामने आ जाती है? मैं जिस यूनिवर्सिटी पढ़ाता हूँ 90-92 जो है प्रिंसिपल है उसमें से SC ST OBC एक सवाल ले लीजिए आचार्य जी से। आचार्य जी कैसे हो गए? आचार्य जी हम चाहते हैं कि हिंदू एकजुट हो इस देश में, हिंदुओं की गिनती तो करवा दीजिए कि किस SC हिंदू ST हिंदू OBC हिंदू ब्राह्मण हिंदू ठाकुर हिंदू को कितना भारत रत्न मिला, कितना नौकरी चाहते हैं, कितना जज बने। आप जो है हिंदू को बिखरा के तोड़ तोड़ करके जाति विभक्त करके लोगों को दिखा करके और सब अलग अलग जातियों को मिला करके अपनी जाति क्यों बताए? अरे छोड़े ना, मोदी मोदी जी ने खुद को OBC क्यों बताया? परंतु गरीब लाचार बेबस रहे, भिक्षा मांग के जीवन जीता है। आप चाहते कि 97% हिंदू गरीब रहे, जाट गुर्जर पटेल मराठा ठाकुर कुर्मी कायस्थ, और सिर्फ 3% ब्राह्मण समाज के मजबूत होने से देश मजबूत हो जाएगा? कम से कम आपका भ्रम तो करवा लीजिए। ब्राह्मण लोग भिक्षा मांग रहे हैं, आप भिक्षा मांग रहे हो क्या? नहीं मांग अरे रहे सुप्रीम हो। कोर्ट के जज से लेकर पूजा करके खाते हैं आप, पूजा करके क्या खाते हो? सारे प्रोफेसर डॉक्टर जस्टिस से लेकर चपरासी तक ब्राह्मण समाज के लोग हैं। वाइस चांसलर आप हैं, डॉक्टर आप हैं, इंजीनियर आप हैं, टॉप है, ज्ञान है तो जरूर होगा, क्यों नहीं होगा भाई? क्यों नहीं होगा? ज्ञान कैसे, ज्ञान का परीक्षण कैसे हुआ? ज्ञान का परीक्षण कैसे हुआ? सिस्टम हुआ है यादव जी। आज आज आप लेक्चरर है ना, हाँ आपको क्यों नहीं रोक दिया? आपके अंदर ज्ञान था, आप बैठे हुए हैं। हाँ लेकिन बहुत जगह रोका जा रहा है। अरे बहुत जगह की बात छोड़िए, आप अपने बात कीजिए। आपको कहा नहीं, हमको आपको इस तरह से कैसे रोकने का? संविधान लागू हो गया ना, संविधान लागू हो गया आचार्य जी, संविधान आ गया, सब लोग हैं, संविधान क्या है? जहाँ जहाँ लिखित परीक्षा है वहाँ नहीं रोक सकते, जहाँ इंटरव्यू है वहाँ भेदभाव होता, तो संविधान आ गया ना। संविधान गलत बोल रहे हैं, संविधान गलत बात है, फिर आपको इंटरव्यू में कोई रोक लिया? अच्छा अच्छा
अरे इक्का कैबिनेट दुक्का तो मिनिस्टरों की जाति क्यों बताई, और राष्ट्रपति बनाए तो क्यों बोला कि दलित को बना दिए, आप क्यों बोल रहे हैं कि एक महिला आदिवासी को बना दिए, ये बड़े बड़े होर्डिंग में प्रचार जाति का क्यों हुआ कि 12 दलित और 27 ओबीसी कैबिनेट मंत्री बना दिए। कैबिनेट मंत्री तो कोई जाति नहीं होती, प्रधानमंत्री कोई जाति नहीं होती, और राष्ट्रपति जो बन जाए उसकी जाति कौन बताया, बताइए आचार्य जी, इन लोग जाति कौन जी बताया, जाति से लोग आते हैं उनका भूमिका उनके लोगों को वहां पर इसके पहले है कोई क्यों नहीं बताया, इसके पहले देवगौड़ा क्यों नहीं बोले, देवगौड़ा क्यों नहीं भाषण में बोले कि मैं ओबीसी हूँ, और इसके पहले मनमोहन सिंह क्यों नहीं वेल बोले, नोन है देवगौड़ा जो जो कर्नाटक अपने से जी ने बोले, देवगौड़ा है अपने जी ने ओबीसी बोले, है अरे वेल नोन है, मोदी और जी ने तो उसके अपने बाद से उन्होंने बोला नहीं, मिलकर उनको बनाए। मोदी आज मोदी जो जी ने मोदी अपने, जी हैं, सुनिए आप बोल रहे हैं बार बार ब्राह्मण ब्राह्मण, मोदी अरे जी कहाँ ब्राह्मण, ओबीसी हम तो मोदी जी कैटेगरी की से बात आते कर हैं, रहे देश हैं। के प्रधानमंत्री हैं, हाँ और आए अरे साहब राष्ट्रपति अभी जो कहाँ है चले वो गए आचार्य जी, अब आप से अपने है, अपने मतलब की तो बात इसमें से निकाल ले रहे हैं आचार्य जी। मैं कह रहा हूं इन लोगों ने जातियां क्यों बता दी जब सब हिंदू थे, तो अरे ये सारे प्रधानमंत्री जो हिंदू राष्ट्रपति कैबिनेट कैसे मंत्री एकजुट होंगे, आप लोगों ये ने बताया बताइए, तो जाति किसकी क्यों जाति बताई। से प्रतिनिधित्व करके आ रहे हैं, ताकि आप अरे तो जानना अपनी चाहते हैं जाति कि क्यों हमें बता, आता है, हमको नहीं रोक नहीं लिया गया इंटरव्यू अरे में, भाई इसके पहले, हमें इसके पहले रेप आचार्य जी, इंटरव्यू दिया आचार्य जी गया, आप हमारे बहुत साथ वरिष्ठ, मुलाकात हुआ, आचार्य ये जी बहुत भेदभाव वरिष्ठ हैं, किसी कभी आपने पहले कभी देखा था कि कैबिनेट देखिए। मंत्री की धन्यवाद जातियां बता सबको करके बनाया गया जी, था। धन्यवाद, आचार्य जी जय एक श्री सवाल राम। लीजिए, मेरा एक पॉलिटिकल सवाल लीजिए, नहीं हिंदू हाँ, कैसे एकजुट होगा जब आप इस देश के 97% हिंदू हिंदुओं को एकजुट जज नहीं होगा, बनने स्वामी देंगे, प्रसाद मौर्य डॉक्टर नहीं जैसे बनने सांप देंगे, को जेल इंजीनियर डालने नहीं से बनने एकजुट देंगे, होगा, चंद्रशेखर यादव जैसे सांप को जेल में डालने से एकजुट हो जाएगा, अब बताइए ठीक है, 97% जय हिंदू के नेताओं को आप कह रहे हैं सांप बिच्छू उसको मारने की धमकी देंगे, तो उनकी संख्या 85% तो खाली ओबीसी है, SC ST ओबीसी, ये इस मध्य देश के प्रदेश में, संतानवे मध्य प्रदेश परसेंट गैर, में, संतानवे मध्य प्रदेश में बड़ा परसेंट काम, बताइए कैसे ब्राह्मण समाज आरक्षण का विरोध करता है, ब्राह्मण समाज जाति जनगणना का विरोध करता है, तब हिंदू कैसे एकजुट होगा, हिंदुओं के अधिकार का ही जब ब्राह्मण समाज विरोध करेगा। तो जनगणना का मैं भी विरोध करता हूँ, आप इसलिए आरक्षण के भी विरोधी हैं, जाति जनगणना के भी विरोधी है, जो आपके हिंदू भाई के लिए हो रहा है, दुनिया में कोई ऐसा धर्म नहीं, नहीं है जो किसने अपने धर्म वाला का विरोध कहा करे। आरक्षण विरोधी है, जो लायक हो उसको आरक्षण देना चाहिए, लायक मतलब क्या, हाँ? लायक मतलब क्या, ये लायक लायक जो तो आरक्षण परीक्षा के से तय लायक हो होता है उसको होना ना। चाहिए आर्थिक नहीं, आधार पर, मंडल कमीशन ने कहा कि इस देश की ओबीसी कहीं है ये नहीं है, 5% 4% है, अगर इसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो इसको बराबरी का हक नहीं मिलेगा। आप इसका समर्थन करते हैं विरोध करते हैं, नहीं ये SC ST देखिए ओबीसी मैम, हिंदू के खिलाफ है, हाँ? उसके हक नहीं, अधिकार जो SC हिंदू है, ST हिंदू है, ओबीसी हिंदू है, और अब तो ठाकुर भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं है ना, उनको भारत रत्न मिल रहा है, न जो जाट को पिछड़े है, न हुए गुर्जर को है, हैं, न पटेल को है। जो जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, वो किसी भी नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।